ओए कवल, ओ कवल तेरी कदर लड़ पड़ी है। चुप कर मेरी बहन, चल चुप चुप। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। आज बहुत ज्यादा दिनों के बाद भाई आपका ब्लॉग शुरू कर रहा है सुबह सहरी के टाइम। तो आज ये 1 किलो दही दे दे। दही मैंने ले लिया है और अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो चुका है सहरी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर। ये लो बेगम, दही आ चुकी है। और क्या बना रही हो आज सहरी में? लच्छे वाले पराठे। हाय 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 हाय। और साथ में सालन कौन सा है? आलू और मेथी। लेकिन तुम रात में तो कह रही थी कि पराठे बनाऊंगी आलू मेथी वाले। पराठे नहीं खाते ना? मैं खा लेता हूँ। जाने दो, अब नहीं बनाना। बना दो अब। चलो रहने दो, अब तुम आलू मेथी वाले बनाओगी तो फिर ये वाले जाया हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है आलू मेथी गर्म करके इनके साथ ही ले आओ। वेक अप ब्रो, वेक अप, वेक अप। ये सहरी का टाइम है, कितना सोने हैं मजीद यार। पता है ऐसे ही लेटा हुआ था। लेटा हुआ था वैसे? ये लेटे हुए बंदे की ऐसी शक्ल होती है, है? लेटे हुए बंदे की ऐसी शक्ल होती है और ऐसी शक्ल होती है। कमल के माशाल्लाह 3 कजन आए हुए रात के, तो आज उनकी सहरी हमारे साथ है, जिनमें से एक अब्दरमान भाई है, दूसरे जारा मैडम है, तीसरी ने कोई नहीं रखना रोता। नहीं, वो नहीं रखती। वो नहीं रखती क्यों? उसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। उसने बस शुरू की, 2-3 रखे थे बस। जारा तुम्हारी छोटी बहन क्यों नहीं रखती रोता? उसका क्या दिल नहीं करता? नहीं, कभी कभी रखते, कभी नहीं रखती। अच्छा, कभी कभी कब? वो गहरा शुरू के 2 रखे हैं बस। नहीं, उसके बाद भी रखे हैं उसने। उसके बाद कौन से? चिड़ी रोते? नहीं, हाँ दूसरे वाले जो हम लोग रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले। वैसे भी वो बेचारी नहीं भूख बर्दाश्त कर सकती होगी। नहीं करती। उसका नाम है एमन, जिसका वजन है आधा मन, और उसके अलावा उसका मन जिस चीज को खाने के लिए करता है ना, वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बता दिया तो फिर जनाब अपनी सैरी करने के बाद उल्टी आने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सैरी हमारी पेश हो चुकी है। जेबी भाई को एमन का फूड बता देता हूँ ताकि इसकी सैरी खानी खराब हो जाए। एमन पता है क्या खाती है? इधर से ब्रो निकालती है फूड और मुंह में डाल देती है। उसका मेरे पास सबूत भी पड़ा हुआ है वीडियो के तौर पर, है ना? लास्ट टाइम मैंने बनाया था, लास्ट टाइम इसी सोफे पर बैठ के कह दी। ये क्या सीन है? फिर मैंने उस बेचारी की वीडियो लगाई नहीं थी कि यार बच्चा शर्मिंदा ना हो जाए। वो रिमोट पकड़ा, रिमोट दे थोड़ा बहुत ना लगा का खौफ कर। तूने मूवी लगाई है, मैं रिमोट पकड़ के अभी चेंज करने लगा हूँ, कोई ब्याह छिया लगाने लगा। अब्दुरमान किसने लगाई है मूवी? बताओ देख ना। हाँ, उसने उसकी तरह मुंह कर लिया है, किसने लगाई है? अब मैं चेंज करता हूँ। अजीब ही गोंगा किस्म का आदमी है। सुबह सुबह सहरी का टाइम है, कोई ब्याह छिया लगा या फिर भाई का व्लॉग लगा ताकि व्यूज व्यूज भी आए। 6.5 hours later। आज यार बड़ी सख्त किस्म की गर्मी पड़ रही है, बिकॉज मैं जुमा पढ़ने के लिए गया मस्जिद में, मस्जिद के अंदर तो जगह नहीं मिली क्योंकि रश काफी ज्यादा था, इसलिए मैंने जाय नमाज बिछा कर बाहर ही नमाज अदा की है। और यकीन करो 10 मिनट में सूरज बाबा ने ना मेरे टोर पोर हिला दिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर मुबारक। स्कार्फ लिया मेरी बेटी ने माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी लग रही है। अभी आया इसका स्कार्फ माशाल्लाह। ये नया आया है? नया। अरे क्या बात है। पिंकी पिंकी पोंकी, काका जी, काका जी आए, क्या बात है मेरे काके की। क्या हो रहा है बच्चा? पार्टी स्टडी हो रही है। स्टडी क्यों? पेपर है कल। ये मैंने अच्छा कहा है तुमने, ठीक है टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा अच्छा, कौन सा पेपर है? इस्लामियत का। ओह माय गॉड, तुम दोनों का? तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो? नहीं, तुम्हारा कौन सा पेपर, कौन सी क्लास है? 9th क्लास का। बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं? वो कितनी तैयारी हो गई है? 7 है बाप, 3 बाप हुए अभी तो। किसके 7 बाप है? बाप अव्वल, बाप दोम, बाप सोम, ऐसे। अच्छा 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 अच्छा, तुम दोनों की तैयारी चेक करता हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ, तैयारी चेक करूंगा, तैयारी चेक करता हूँ। कोई एक सवाल ना तुम लोगों की किताब से पूछता हूँ, ठीक है? चलो जी, इसका जवाब दो। दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी? 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल? 8 साल। हाँ,
10 साल ओए ओए इसने गलत बोला, मारो इसको, इसने सही बताया 8 साल। इसका एक जवाब गलत निकला है। आप पेपर ले रहे हो इनका? पेपर नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ कि इन लोगों ने कितनी तैयारी की। चपेड़े मार, चपेड़े। हाँ जी, जिसने भी गलत जवाब बताया उसको एक चपेट पड़ेगी, ठीक है? तुम ही करना, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बच्चों को मारता। कहीं से मेरा कदर लगता है? ये दिमाग से लगता है, उसका भी खराब है तुम्हारा भी। वैसे नहीं लगता। चलो दूसरे सवाल का जवाब दो यार। अभी दूसरा सवाल है तुम लोगों का, रिवाइज क्या जो तैयारी हुई है उसका कोई फायदा नहीं। आसान है यार, आसान से सवाल पूछ रहा हूँ वो भी नहीं दिए जा रहे। कुरान मजीद के मुताबिक रोजे का सबसे अहम मकसद है तकवा का हुसूल, सदकात व खैरात की कसरत, दूसरे से हमदर्दी, गुरबा व मसकीन की इमदाद। नहीं नहीं, ऑप्शन दोबारा बताओ। एक मिनट रुको, मैंने उसको चपेट मारनी है। मैंने क्या था, लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है पीछे, लड़ाई हो गई है। अच्छा चलो तू जवाब दे, एमन को तो गुस्सा आ गया। मेरा रोजा मुझे नहीं मारना, ठीक है? अच्छा ठीक है, नहीं मारता, बताओ। ऑप्शन मैंने कहा तुम्हारा बोलना। तकवा का हुसूल, सदकात व खैरात की कसरत, दूसरे से हमदर्दी, गुरबा व मसकीन की इमदाद। वो है क्या? सदकात वाला है? सदकात, सदकात व खैरात की कसरत। यार सवाल देख ले, कुरान मजीद के मुताबिक रोजे का सबसे अहम मकसद क्या है? हैं, तू बता। तकवा का हुसूल, इसने सही बताया। जिया जिया, चपेट पड़ी है ना, दिमाग चला इधर। ये मैंने भी तो, तूने पहले बताया सदकात व खैरात, अब चपेट खा, चपेट खा। तेरी रोजेदारों को नहीं मारते, रोजेदारों को नहीं मारते, तू रोजेदारों सही जवाब दे ना फिर। एक चपेट खा जा, प्लीज। और जिसने दर्द काटी है ना, दांत काटे ला दिया पर। आए गुस्सा आ गया था लड़की को ना, मुझे मार दिया ये तो, बिना वजह रुला दिया उसको। चल चुप कर, चल चुप कर, चल चुप कर, चुप कर, चुप कर मेरी बहन, चल चुप चुप। तेरी वजह से वो रो रही है। एक तो इसने मुझे मारा, अब खुद ही रो रही है। मारा पूरे बाहर है, इतनी जोर से दंदी काटी है मुझे। ऐसी जहरीली दंदी उसने काटी है कि खुद ही रो रहा है। एजल वो रो रही है, देखो आपकी खाला रो रही है। एजल कह रही है मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, नलायक खाला। पकड़ ले इसको, फिर से पकड़ ले इसको, छोड़ी ना इसको, छोड़ना नहीं इसको। मुक्के खुश होने, मार जरा एमन, जरा मार मुक्के इसको, मार इसको मुक्के, मोबाइल तो इसको। ओए अबे तुम दोनों, अबे तुम दोनों वो अकेली कभी कभार ना आपके कपड़े खराब हो जाते हैं धुलवाई की वजह से, मतलब उनको सही तरह से धोया नहीं जाता। जैसे अभी मेरे घर वालों ने इस मेरी शर्ट को धोया है, और धोने के बाद चेक करो इस पर किस तरह के निशान लग गए हैं। ये दरअसल निशान पता है क्यों लगते हैं? कि अक्सर हमारी पेंटों या शर्ट्स के अंदर ना टिश्यू वगैरह रह जाते हैं, फिर वो टिश्यू जब मशीन के अंदर घुलते हैं ना, तब वो टिश्यू ना घुल मिलकर इन ब्लैक शर्ट्स या ब्लैक कपड़ों के ऊपर भी चिपक जाते हैं। अब इसका इलाज मैं ये करने लगा हूँ कि टेप की मदद से इनको उतार दूंगा। टेप की मदद से मैं इन टिश्यूज को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना पूरी तरह से यार ये साफ नहीं हो पा रहे। बस जितना गुजारा हो जाता है उतना कर लेता हूँ। इससे पूरी तरह से उतर जाएगी? फिलहाल तो उतर जाएगी, जो तुम ये कर रहे हो ना साइंस। टेप से वैसे भी पूरी तरह से नहीं साफ हो रही थी। ट्राई करके देखो, ट्राई करो। हाँ हो रहा है साफ। यार देख लिया करो, बस ये धोने से पहले ना कपड़ों के अंदर से टिश्यू निकाल लिया करो, असल वो फिर टिश्यू चिपक जाता है इनके साथ। हाँ इससे सही साफ हो रही है मेरी शर्ट। ये देखो ये क्या है, ये जो उतरा है। यस ये सही है यार।
टेप से तो बंदा खप जाता है भाई। इधर ना बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला मैं करवाने लगा हूँ अभी अपने कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद, और मुकाबले में दो खिलाड़ी हैं हमारे पास, एक का नाम है चौधरी जेपी और दूसरे का नाम है चौधरी अब्दरमान। तो इन दोनों का मुकाबला है कि इन दोनों ने 10-10 केजी वाले ये जो मेरे डंबल पड़े हुए हैं इनको एक हाथ से उठाना है और इस तरह से डंबल लगाना है, ठीक है। जिसने ज्यादा लगाए वो जीत जाएगा। जीतने का इनाम, जीतने का इनाम क्या चाहिए बता? 10-15 लाख। अबे तेरे 10-15 लाख कभी देखा भी है तूने जिंदगी में? चलो जो जीतेगा उसको 1000 रुपया इनाम मेरी तरफ से। मेरे से लेने तू लगा इधर है वो मेरे से ले। नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं ना शामिल मुकाबले में। चलो तुम लोग शुरू करो। 3-2-1 and go। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी बच्चे को हारना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 20। छियालीस, 47, 48, जल्दी जल्दी करो ऐसे भी करो करो भाई, जिसने पहले हार मानी ना वो रोज है तो क्या करूं, जिसने पहले हार मानी वो ओए हार मान गया, ये हार मान गया, ओए अब्दुल रहमान जीत गया, ओ लक की लानत तेरे। ये चूज वाला सीन ही नहीं है भाई। अब्दुल रहमान जीत गया, चल इसको 1000 रुपया दे। दे। और तूने देना है दे, वो हारने वाले ने देना था। ये नहीं था बताया। लो ये नहीं था तो मैं दे देता यार। एक मिनट, 1000 रुपया अब्दुल रहमान देखना कितना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब्दुल रहमान 1000 रुपया उधार हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं देता हूँ यार तुझे, थोड़ी देर में ही देता हूँ, ठीक है। वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तू सही लगा रहा था, मेरा बाजू पंप हो गया। नहीं वो ऐसे नहीं कर रहा था, वो पता कैसे कर रहा था। गुड मॉर्निंग, माजरत बहन मैंने आपको उठा दिया, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताना ये था कि ये सोफा कोई सोने की जगह नहीं है। बाजू दर्द होने लग गई। अब्दुल रहमान से मुकाबला हार गया ये। और ओए 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 ओ साइड इफेक्ट, ओ मुकाबले का साइड इफेक्ट चेक कर। ओ ये क्या, ओ तेरा डोला पिछली साइड पर निकल आया, ये क्या सीन है दिखाई। ओए ओ ये क्या है, लोगों ने आते आंदे ने मेरा बैग हो। ये डोला तेरा पिछली साइड पर क्यों निकल आया? वो देख शिकरा घूम रहा, शिकरा पता है कैसे घूम रही, 50 डंबल लगा लिए ना तो ऐसे घूम रही। ये चेक करो। अरे वाह भाई वाह, कस्टर्ड बन रहा है। रोनो ने कब तक आने? आधे घंटे तक। तो अफ्तारी की सारी तैयारियां शैरी हो गई हैं? हाँ बस समोसे ले आओ बाहर से। समोसे बाहर से लेकर आना, बाकी फ्राई वगैरह होने वाली चीजें रह गई हैं। ओके है, अपनी कजन से तो पूछ लो कि इसकी दंदी ठीक हुई है। जो इमन ने मारी थी, इमन ने बहुत हैवी दंदी मारी थी। इतनी भी नहीं थी हैवी, बस ठीक बस ठीक नहीं थी, बहुत हैवी थी। बाद में बेचारी 10 मिनट ऐसे ऐसे करती रही है। आज ना मेरे ससुराल वालों ने आना है कवल की ईदी लेकर, तो उनकी अफतारी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि किया नहीं जा रहा, हो गया है तकरीबन, और मेहमान भी आना शुरू हो चुके हैं। ये वाला मेहमान तो कल का आया हुआ, ये दो बच्चे अभी आए हैं, अभी बच्चों की आमद जा रही है, बड़ों की आमद बच्चों के बाद होगी। और देवी साहब ने मुझे बैठे बिठाई कह दिया कि जनाब मुझे अपार्टमेंट छोड़ो। मैंने कहा तूने वहाँ क्या करने जाना है? जब भी ये लाहौर आता ना इसका यही स्यापा होता है, मेरा सिस्टम अपार्टमेंट में पड़ा हुआ
है तो ये मेरे सिस्टम पर बैठता है और वहाँ बैठ कर अपनी एडिट शेडिट पिक्चर वीडियो करता रहता है। चलो 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 नमाज असर का टाइम हो गया, चलो चलो शाबाश नमाज पढ़कर घर चलते हैं और चप्पल पैर उतार कर ऊपर जा। चलो भाई बच्चों बैठो जल्दी जल्दी से चले घर। देवी को उतारने के बाद मैं बच्चों को लेकर आ गया था मस्जिद में, नमाज पढ़नी थी यार। कैसे कुत्ता बाबू ठीक ठाक है ना तबीयत से? कोई टेंशन तो नहीं है? बता ना। अबे बोल, अबे बोलता क्यों नहीं? माँ जी तो पैसे गिनने में बिजी है। दिस इज बिजनेस। यार समोसों का बता दो कितने लेकर आने हैं? 15 बहुत रहेंगे। चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। आलू वाले ही ना? आलू वाले पर जल्दी ले आओ। लेकर आता हूँ जल्दी। अच्छा आया। A few minutes later. आजो जी आजो, अफ्तारी लग गई है। आजो 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 आजो, हाँ ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर आ जाओ। चलो 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 चलो। अरे क्या बात है जनाब, आज तो बड़ा हैवी तमाम किया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजो जी आजो आजो आजो। अच्छा बड़े यहाँ पर बच्चे कहाँ जाएंगे? कमरे कमरे में कहता बच्चे कमरे में। ओ ये क्या, इधर बच्चों को बिठाओगे? इधर तो अफ्तार ही नहीं लगी। रोजा किस किस का है? मेरा। एक किसका है? किसका नहीं है? किसका किसका? फिर कहता मेरा। मेरा नहीं मेरा। हमारा है नहीं, हमारा रोजा नहीं है। तुम रोजा नहीं रखती? इतनी बड़ी हो के तुम रोजा नहीं रखती? इधर देखो इधर देखो इधर तो देखो, रोजा नहीं रखती? इतनी बड़ी हो के क्यों नहीं रखती? रोजा रखा करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी बेटी मुझे बुला रही है पापा पापा करके है। इधर देखो काके। वो आपको देखकर शर्मा आ गई है, इसीलिए उसकी नजरें नीचे चली गई है। इन सारी चीजों में मेरे हाथ के लाए हुए सिर्फ और सिर्फ समोसे ही हैं। अपने ना कल वाले व्लॉग में मैंने एक सजेशन आप लोगों से ली थी कि यार मुझे बताओ कि एक दिन मैं ऐसा कोई व्लॉग बनाऊं जिसमें कि मैं सारा दिन खामोश रहूं और बाकी दूसरे आवाम बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए। तो तकरीबन अभी तक 3-4 घंटों के अंदर अंदर 1,500-2,000 कॉमेंट आ चुका है, जिसमें आवाम ने लिखा हुआ यस 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 यस, मतलब कि जी हाँ आप बनाएं ऐसा व्लॉग। तो मेरी जान दे टोटे हो तो मैं बोलता चंगा नहीं लगता यार। नहीं। किस चीज की मोहब्बत है हमारी है? नेगेटिव कमेंट ही करते हो जब भी करते हो मेरे बारे में। एक दफा पहले इब्रार ने आप लोगों को ब्लॉग में कहा था कि बताओ अब जुल्कर नैन को सेइंग यस हमें करना चाहिए या नहीं, तो 6-7 हज़ार बंदे ने लिख दिया था जी जी सेइंग यस होना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं, तुम लोग मेरे दुश्मन हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अफ्तारी वगैरह के बाद जी अभी कवल अपनी ईद को अनबॉक्स कर रही है। मेरी भी आई है, मेरी क्या जरूरत थी माँ जी? ये तो वैसे आपको इसके लिए ही लेकर आनी चाहिए थी। नहीं आप ही तो साथ ही हो। अच्छा हो ये मेरा सूट है? अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये वाइट आ गया है, ये ब्लैक भी है। अच्छा ये ब्लैक भी है, सही है, काला और चिट्टा दोनों ही ठीक है। मतलब जुमे वाले दिन व्हाइट पहन लूंगा और जब किसी दिन पार्टी शार्टी का सीन होगा काला पहन लूंगा। सही है ना? आपा के लिए नहीं कुछ लेकर आया? आप सारे सूट हैं, ये भी सारे सूट आपा के हैं, तो इसका कुछ नहीं है? इसके भी हैं, 1-2-3 आपके के 5 सूट हैं और अच्छा। मेरे 4 सूट हैं। अच्छा ये खाना है ना, ये खाना है, मेरे 4 सूट हैं, आप ही को 5 दिए हैं। 5 दिए हैं आपके लिए जरा। ठीक है जी, सही है, मेनू 2 देते हैं मैं भी याद रखूंगा है। इसका 5 इसे 4, एजल के कितने हैं? एजल के 4 हैं। 4 है ये माँ जी, ठीक है याद रखियो याद रखियो। अच्छा अच्छा कीमती है मेरे, ठीक है जी। भाभी ने कैसा कवर किया है? इनको चाहिए था ये 2 सूट, माँ जी आप लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं, असल भाभियाँ नहीं लेके आई। नहीं यार थैंक यू सो मच, जो जो चीज़ें आप लोग ले आए हैं ना उनके साथ ही हम लोग बहुत खुश हो गए। और ये सवैयाँ भी आई हैं जी, ये ईद वाले दिन ही खाएंगे इंशाल्लाह। ये चूड़ियाँ क्या बात है, बहुत प्यारी है। यार मेरे लिए भी कोई हैंड बैंड ले आते हैं, मैं हैंड बैंड पहनता हूँ। छोटी छोटी ये दिल की जोड़ी है पाई ऐसी, मुंह मांग के ईद लाई थी। A few minutes later, यकीन मान बहुत ज्यादा ये गर्म हो चुका है क्योंकि पिछले 6-7 घंटे से तू इसके साथ सरगपाई कर रहा है। चल उठ निकलते हैं अब घर की तरफ, उठ चल शाबाश। भाई देख अभी एडिट नहीं करूंगा अच्छी अच्छी, तो तुझे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट कैसे लगाएगा? कॉन्टेंट
कौन से कॉन्टेक्ट? कॉन्टेंट मैंने किसी का कॉन्टेक्ट क्यों लगाना है? कॉन्टेंट अच्छा कॉन्टेंट की बात कर रहा है। ओ ठीक है जी, नहीं लगाता अच्छा कंटेंट, तू उठ निकले चल आजा। भाई मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है जनाब, अभी थोड़ी देर पहले ना बड़ी हैवी किस्म की बिजलियां लचक रही थी और अब बारिश ने बरसना भी शुरू कर दिया। सुबह टाइम कितनी ही सख्त वाली गर्मी थी लेकिन अभी मौसम पूरा चिल टाइप स्मैक्सी हो चुका है। चले जी चलते हैं अब घर वापस, और अब अपने भाई को दे आज के ब्लॉग से इजाजत क्योंकि जाकर करनी है सहरी तक रेस्ट। कल मिलूंगा अब एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए वीडियो जो हाँ यार इसी की सुन लो बाय।